चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इज एट इट्स सेंटर, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये ध्यान से देखो, फिगर में एक स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखना है। ये रख दिया मैंने, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और यहां भी माइनस क्यू, ठीक है, और सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखना है, और सेंटर पे स्मॉल क्यू, यहां स्मॉल क्यू चार्ज रखना है। अब ध्यान दो, स्क्वायर है तो इसकी साइड तो इक्वल होगी, ये इक्वल, ये ए, ये भी ए, और इसका डायगोनल ए रूट टू होगा, डायगोनल ए रूट टू होगा। अब सेंटर पे जो चार्ज होगा वो तो इक्विलिब्रियम में इजीली हो जाएगा, लेकिन जो कॉर्नर्स पे जो चार्जेस होते हैं उनका इक्विलिब्रियम में होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम होना है तो, ठीक है, सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम होना है तो ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो पहले तो अगर मैं सभी पे, अगर मैं नॉमिनिक्लेचर अगर नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे ए पॉइंट के चार्ज की वजह से रिपल्शन का फोर्स लगेगा, एफ होगा, ठीक है, इस माइनस क्यू, यहां पर जो माइनस क्यू चार्ज है जो सी पे है उसकी वजह से भी रिपल्शन का फोर्स होगा, उसकी वैल्यू भी एफ होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ए का स्क्वायर होगा, तो फोर्स कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो एफ की वैल्यू होगी। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर एडिशन लॉ से करोगे तो एफ रूट टू आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने लगा, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, और ठीक है, और आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला लगा सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज डी पे है माइनस क्यू, ये भी तो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, मैंने माना कि ये रिपल्शन फोर्स की वैल्यू एफ डैश है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा इन डी का बी से, ए रूट टू, तो ए रूट टू का होल स्क्वायर हो गया, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश की वैल्यू। एफ डैश की वैल्यू एक बार फिर लिख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश की वैल्यू। एफ की वैल्यू पता है, एफ डैश की वैल्यू पता है। अब ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये चार्ज जो स्मॉल क्यू सेंटर पे है ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तभी ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो ये फोर्स हम एफ डबल डैश कंसिडर कर लेते हैं, एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ भाई, के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, ए रूट टू बाई टू होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए रूट टू बाई टू होगा, ए रूट टू बाई टू होगा, डायगोनल का आधा ना होल स्क्वायर, तो एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो अगर ये बी पे जो चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कौन सा, कौन कौन से फोर्स, एफ रूट टू प्लस एफ प्लस एफ एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखो, अगर इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो होगा तभी आपका रिजल्टेंट यानी ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसके लिए एफ रूट टू की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू माइनस टू के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें कॉमन क्या है, पहले वो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है के क्यू भी कॉमन है अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। चलो क्यू रूट टू हो गया, बच गया यहां पर q बाई टू बचा, यहां पर 2 इंटू स्मॉल q बचा इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो होगा नहीं, जीरो तो ये होगा, तो जीरो करके देखते हैं इसको, q
क्यू रूट टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं माइनस टू क्यू को उधर भेज, जीरो के बराबर कर दें टू क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल टू कॉमन ले लेते हैं रूट टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, और टू कॉमन लेके एलसीएम ले लें तो क्यू बाई फोर हो जाएगा और टू टू रूट टू प्लस वन ये आएगा स्मॉल क्यू की वैल्यू, देखो प्लस में होना चाहिए, होना चाहिए तभी ना अट्रैक्शन लगेगा, प्लस होगा तो प्लस है, कौन सा ऑप्शन सही है, क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर यहाँ है यहाँ, लेकिन माइनस वाला ये प्लस वाला ये ब्रैकेट में अंदर में, हाँ सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।